यदुवंशों को ऋषियों का श्राप। व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी तथा अन्य यदुवंशियों के साथ मिलकर बहुत से देवियों का संहार किया तथा कौरव और पांडवों में भी शीघ्र मार काट मचाने वाला अत्यंत प्रबल कलह उत्पन्न करके पृथ्वी का भार उतार दिया। और वो ने कपटपूर्ण जुए से तरह तरह के अपमानों से तथा द्रौपदी के केस खींचने आदि अत्याचारों से पांडवों को अत्यंत क्रोधित कर दिया था। उन्हीं पांडवों को निमित्त बनाकर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों पक्षों में एकमात्र एकत्र हुए राजाओं को मरवा डाला और इस प्रकार पृथ्वी का भार हल्का कर दिया। अपने बहुबल से सुरक्षित यदुवंशियों के द्वारा पृथ्वी के भार राजा और उनकी सेना का विनाश करके परमाणु के द्वारा ज्ञान के विषय ना होने वाले भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि लोका दृष्टि से पृथ्वी का भार दूर हो जाने पर भी वस्तुत मेरी दृष्टि से अभी तक दूर नहीं हुआ, क्योंकि जिस पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता वह यदुवंश अभी पृथ्वी पर विद्यमान है। यह यदुवंश मेरे अश्चित है और हाथी घोड़े जनबल धनबल आदि विशाल वैभव के कारण अच्छुकलन हो रहा है। अन्य किसी देवता आदि से भी इसी की किसी प्रकार पराजय नहीं हो सकती। बांस के वन में परस्पर संघर्ष से उत्पन्न अग्नि के समान इस मधुवंश में भी परस्पर कलह खड़ा करके मैं शांति प्राप्त कर सकूंगा और उसके बाद अपने धामों में जाऊंगा। राजन, भगवान सर्वशक्तिमान और सत्य संकल्प हैं। उन्होंने इस प्रकार अपने मन में निश्चय करके ब्राह्मणों के श्राप के बहाने अपने ही वंश का संहार कर डाला, उसको समेट कर अपने धामों में ले गए। परीक्षित, भगवान की वह मूर्ति त्रिलोकों की सौंदर्य का तिरस्कार करने वाली थी। उन्होंने अपनी सौंदर्य माधुरी से सबके नेत्र अपनी ओर आकर्षित कर लिए थे। उनकी वाणी, उनके उपदेश परम मधुर दिव्य थे। उनके द्वारा उन्हें स्मरण करने वालों के चित्त उन्होंने छीन लिए थे। उनके चरण कमल त्रिलोक सुंदर थे, जिसने उनके एक चरण चिन्ह का भी दर्शन कर लिया, उसकी बहुमुखता दूर भाग गई। वह कर्म प्रपंच से ऊपर उठकर उन्हीं की सेवा में लग गया। उन्होंने अनायास ही पृथ्वी में अपनी कीर्ति का विस्तार कर दिया, जिसका बड़े बड़े सुखपियों ने बड़ी ही सुंदर भाषण में वर्णन किया है। वह इसलिए कि मेरे चले जाने के बाद लोग मेरी इस कीर्ति का गान स्मरण और सुमरण करके इस
अज्ञान रूप अंधकार से सुगमता पार हो जाएंगे। इसके बाद परमेश्वरशाली भगवान श्री कृष्ण अपने धाम को प्रयास प्रयाण किया। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान यदुवंशी बड़े ब्राह्मण भक्त थे, उनमें बड़ी उदारता भी थी और वे अपने कुल वृत्तों की नित्यन निरंतर सेवा करने वाले थे। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि उनका चित्त भगवान श्री कृष्ण में लगा रहता था। फिर उनसे ब्राह्मणों का अपराध कैसे बन गया और क्यों ब्राह्मणों ने उन्हें श्राप दिया? भगवान के परम प्रेमी विप्रवर उस श्राप का कारण क्या था तथा क्या स्वरूप था? समस्त विदुवंशियों के आत्मा स्वामी और प्रियतम एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही थे। फिर उनमें फूट कैसे हुई? दूसरी दृष्टि से देखें तो वे सब ऋषि अंतर्दृष्टि थे, फिर उनको ऐसी भेद दृष्टि कैसे हुई? यह सब आप कृपा करके मुझे बतलाइए। श्री सुखदेव जी कहा, भगवान श्री कृष्ण वह शरीर धारण करके इसमें संपूर्ण सुंदर पदार्थों का सन्निवेश था, नेत्रों में मग्न, कंधा में सहस्रकंद, करों में करी कर, चरणों में कमल आदि विन्यास था। पृथ्वी में मंगलमय कल्याणकारी कर्मों का आचरण किया। वे पूर्ण काम प्रभु द्वारका धामों में रहकर कीरा करते रहे और उन्होंने अपनी उदार कीर्ति की स्थापना की, जो कीर्ति स्वयं अपने आश्चर्य तक का दान कर सके वह उदार है। अंत में श्री हरि ने अपने कुल के संहार उपसंहारी की इच्छा की, क्योंकि अब पृथ्वी का भार उतारने में इतना ही कार्य शेष रह गया था। भगवान श्री कृष्ण ऐसे परम मंगलमय और पुण्य प्राप्त कर्म किए जिनका गान करने वाले लोगों के सारे कलिमल नष्ट हो जाते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण महाराज उग्रसेन की राजधानी द्वारकापुरी में वासुदेव जी के घर यदुवंशियों का संहार करने के लिए काल रूप से ही निवास कर रहे थे। उस समय उनके विदा कर देने पर विश्वामित्र, अंशित, कण्व, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ और नारद आदि बड़े बड़े ऋषि द्वारका के पास ही पिंडार के क्षेत्र में जाकर निवास करने लगे थे। एक दिन यदुवंश के कुछ उदंड कुमार खेलते खेलते उनके पास जा निकले। उन्होंने बनावटी नम्रता से उनके चरणों में प्रणाम करके प्रश्न किया। वे जम्ब नंदन को स्त्री के वेश में सजाकर ले गए और कहने लगे, ब्राह्मणों, यह कजरारी आंखों वाली सुंदरी गर्भवती है। यह आपसे एक बात पूछना चाहती है, परंतु स्वयं पूछने में सकुचाती है। आप लोगों का ज्ञान अमोघ अबध है और हैं, आप सर्वज्ञ हैं। इसे पुत्री की
बड़ी लालसा है और अब प्रसव का समय निकट आ गया है। आप लोग बताइए, यह कन्या जानेगी या पुत्र? परीक्षित, जब उन कुमारों ने इस प्रकार उन ऋषियों मुनियों को धोखा देना चाहा, तब वे भगत प्रेम से क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, मूर्खो, यह एक ऐसा मालूम पैदा ऐसा मूसल पैदा करेगी जो तुम्हारे कुल का नाश करने वाला होगा। मुनियों की यह बात सुनकर वे बालक बहुत ही डर गए। उन्होंने तुरंत शंभ का पेट खोलकर देखा तो सचमुच उसमें एक लोहे का मूसल मिला। अब तो वे पछताने लगे और कहने लगे, हम बड़े अभागे हैं, देखो हम लोगों ने यह क्या अनर्थ कर डाला, अब लोग हमें क्या कहेंगे। इस प्रकार वे बहुत ही घबरा गए तथा मूसल लेकर अपने निवास स्थानों में गए। उस समय उनके चेहरे फीके पड़ गए थे, मुख कुमला गए थे। उन्होंने भरी सभा में सब यदवाओं के सामने ले जाकर वह मूसल रख दिया और राजा उग्रसेन से सारी घटना कह सुनाई। राजन, जब सब लोगों ने ब्राह्मणों के श्राप की बात सुनी और अपनी आंखों से उस मूसल को देखा, तब सब के सब द्वारकावासी विस्मित और भयभीत हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि ब्राह्मणों का श्राप कभी झूठा नहीं होता। विदुर राज उग्रसेन ने उस मूसल को चूरा चूरा करा डाला और उस चूरे तथा लोहे के बचे हुए छोटे टुकड़ों को समुद्र में फेंकवा दिया। उसके संबंध में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कोई सलाह ना ली, ऐसी ही उनकी प्रेरणा थी। परीक्षित, उस लोहे के टुकड़े को एक मछली निगल गई और चूरा तरंगों के साथ वह बहकर समुद्र के किनारे आ लगा। वह थोड़े दिनों में बिना गांठ की एक घास के रूप में उग आया। मछली मारने वाले मछुओं ने समुद्र में दूसरी मछलियों के साथ उस मछली को भी पकड़ लिया। उसके पेट में जो लोहे का टुकड़ा था, उसको जरा नामक व्याध ने अपने बाण के नोक में लगा लिया। भगवान सब कुछ जानते थे, वे इस श्राप को उलट भी सकते थे, फिर भी उन्होंने ऐसा करना उचित ना समझा। काल रूप धारी प्रभु ने ब्राह्मणों को श्राप का अनुमोदन ही किया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।